हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो कि हर कोई जानना चाहता है। यू नो व्हाट, आप भी ये सोचते होंगे हमेशा कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनका मेकअप और उनका फेस इतना ग्लोइंग कैसे होता है ना। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चल गया सीक्रेट का राज क्या है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें वो यूज करते हैं, क्या क्या वो नहीं करते, क्या वो अपने स्किन के लिए करना चाहते हैं, क्या वो नहीं करते। अगर वो शूट वगैरह नहीं करने होते तो वो अपने स्किन केयर में क्या ऐड करते हैं जिससे कि उनकी स्किन एकदम अमेजिंग होती है, बिल्कुल फ्लॉलेस होती है, ग्लोइंग होती है। तो अगर आप ये सीक्रेट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। सो जल्दी से मेरी वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब फॉर द अदर लेटेस्ट वीडियोस। हर लड़की हमेशा ये चाहती है कि उसका फेस एकदम से ग्लोइंग हो जिससे कि वो कुछ भी पहने और उस पर बहुत अच्छा लगे, है ना। आप भी ये चाहते होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप ये चाहते हो तो आज इस वीडियो की हेल्प से आपको सब पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डूज हैं और क्या क्या डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज। सो अब जल्दी से मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ कि ऐसे क्या क्या सीक्रेट्स हैं उनके जो कि वो अपने स्किन के लिए करते हैं और आपको भी वो फॉलो करने चाहिए। सो नंबर वन इज, क्या आपको पता है कि सेलिब्रिटीज भी अपने आप को सुंदर बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं बहुत सारे, कि इतना सारा मेकअप लगा लिया, इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा लिए। नहीं, ऐसा कि आपकी गलतफहमी अगर आप ऐसा सोचते हो तो। श्रद्धा कपूर ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि वो अपनी स्किन की केयर करने के लिए बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं, जो कि मैं भी आपको यूज करने के लिए हमेशा कहती हूँ। जितना आप नेचुरल चीजों का यूज करोगे ना अपने स्किन के लिए, उतनी आपकी स्किन बेटर ऑफ होगी। क्योंकि जितने भी बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लाइक स्क्रब्स हैं, फेस मास्क है, ये सब आपकी स्किन को डैमेज करते ही करते हैं क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं केमिकल्स होते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हर्बल होती हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप बाहर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो ना तो करो, डोंट वरी, कर सकते हो, बट उनके साथ साथ आपको घर की चीजें भी यूज करनी चाहिए, नेचुरल रेमेडीज, जिनसे कि आपकी स्किन बेटर ऑफ होती है प्लस आपकी स्किन को रिपेयर होने का टाइम मिलता है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उससे हमारी स्किन डैमेज होती है और उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए यू हैव टू यूज नेचुरल स्किन केयर। वही सेलिब्रिटीज भी करते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल स्किन केयर का यूज करते हैं, अपनी स्किन पे नेचुरल चीजें लगाना प्रेफर करते हैं जिससे कि उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग लगती है। तो आप ये मत सोचना कि वो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर करके इतने सुंदर हो जाते हैं। नहीं, वो जब भी घर पे होते हैं सो दे डेफिनेटली यूज नेचुरल स्किन केयर फॉर देयर स्किन। सो द सेकंड थिंग इज, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जब वो अपने घर पे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल भी मेकअप ना करें ताकि उनकी स्किन खुल के सांस ले और उनकी स्किन बिल्कुल हेल्दी हो जाए। क्योंकि जितना हम अपनी स्किन के ऊपर लेयरिंग करते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स की, उतनी आपकी स्किन डैमेज होती है। तो आपको जब बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। लेकिन जब आपके पास टाइम है, आप घर पे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो, सो डोंट यूज एनी मेकअप ऑन योर स्किन। आप देखो कि मैं तो वीडियो भी बनाती हूँ ना आपके लिए, मैं उससे भी कोई मेकअप यूज नहीं करती क्योंकि मैं अपनी स्किन को डैमेज बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं तभी मेकअप करती हूँ जब मुझे कोई बहुत इमरजेंसी हो, अदरवाइज आई प्रेफर टू यूज नेचुरल स्किन केयर फॉर माई स्किन। द नंबर थर्ड इज, आपको डे में दो बार अपना फेस वॉश जरूर करना चाहिए। सेलिब्रिटीज भी अपने इंटरव्यू में यही कहते हैं कि दे प्रेफर टू क्लीन देयर फेस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, क्योंकि दो बार फेस धोना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपके स्किन पे जितनी भी ऑयलीनेस है, कोई डर्ट, आप ये मत सोचो कि आप बाहर नहीं जा रहे हो, आप घर पे हो तो आपको फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये आपकी गलती है। अगर आप घर पे भी हो, स्टिल यू हैव टू वॉश योर फेस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे ताकि आपकी स्किन बिल्कुल अच्छी रहे। इससे आपकी स्किन हेल्दी भी होगी, ग्लोइंग भी होगी, क्योंकि आपके फेस से जितना भी एक्सेसिव ऑयल है वो हट जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी जो कि आप चाहते हो, और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। नंबर फोर्थ इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस। सेलिब्रिटी जरूर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, CTM इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन।
जस्ट लाइक दैट वो लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करोगे ना, आपकी स्किन प्रॉपरली सॉफ्ट और सप्पल नहीं बनेगी। तो आपको हमेशा ये प्रेफर करना चाहिए कि जब भी आप फेस वॉश करो, यू मस्ट अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस। इफ यू डोंट हैव एनी मॉइस्चराइजर ना, सो जस्ट अप्लाई एलोवेरा जेल ऑन योर फेस। एलोवेरा जेल ऑल्सो इज अ वेरी नाइस मॉइस्चराइजर, सो यू मस्ट अप्लाई दैट। नंबर फिफ्थ इज, ये सभी से इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी सेलिब्रिटीज है ना, वो कभी भी अपने स्किन केयर में सनस्क्रीन को नहीं भूलते। मैं भी आपको कहती हूँ कि सनस्क्रीन इज द बेस्ट थिंग जो कि आप अपनी स्किन को प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि सनस्क्रीन से आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी जब आप बाहर जाओगे, तो आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बा नहीं होगा। सो आपको ये हमेशा फॉलो करना है कि आप जब भी बाहर जाओ, व्हेन एवर यू गो आउट, आपको सनस्क्रीन लगाए बिना तो जाना ही नहीं है। क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट करोगे ना बाहर की हार्मफुल चीजों से, उतनी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप खुद देख के हैरान हो जाओगे कि आपकी स्किन डे बाय डे कितनी अच्छे से बेटर ऑफ हो रही है। सो नंबर सिक्स पॉइंट है, सेलिब्रिटीज अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत सारा पानी पीते हैं। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि जितना आप पानी पीते हो ना, तो आपकी स्किन की जो आधी प्रॉब्लम्स है ना, वो तो ऐसे दूर हो जाती हैं। क्योंकि जितना आप अच्छे से पानी पियोगे, हार्मफुल टॉक्सिन सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन हो जाएगी एकदम से ग्लोइंग। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पानी ही पीना है, ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूस, ड्रिंक कोकोनट वाटर, जो भी चीजें आपकी स्किन को और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखती है ना, हर चीज को आप इजिली ड्रिंक कर सकते हो। दूर रहना है तो सिर्फ प्रिजर्वेटिव चीजों से रहना है, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सेवेंथ पॉइंट इज कि आपको कम से कम मेकअप करना चाहिए। अगर आप रेगुलर मेकअप करने वाले हो ना, तो देखो इस चीज को आपको धीरे धीरे अवॉइड करना चाहिए कि जितना आप रेगुलर अपने फेस पे मेकअप करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी स्किन खराब हो जाएगी। हमारी स्किन पे साइंस ऑफ एजिंग जल्दी आ जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, सो मेनी थिंग्स। सो प्रेफर टू डू लेस मेकअप ऑन योर फेस, क्योंकि जितना कम मेकअप करोगे, उतनी हेल्दी और ग्लोइंग आपकी स्किन हो जाएगी। एट पॉइंट इज, सेलिब्रिटीज ना अपने लिप्स पे कभी भी लिप बाम को लगाना नहीं भूलते, और अगर वो मेकअप ना भी करें ना, तो वो अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लिप्स के लिए लिप बाम और आईज के लिए काजल, ये बहुत जरूरी यूज करते हैं। सो अगर आपको भी उनकी तरह अपनी स्किन को अच्छा बनाना है, तो आप भी नॉर्मल चीजों का ही यूज करो अपनी स्किन पे। आईज को ब्यूटीफुल दिखाओगे अगर आप काजल लगाओगे ना, तो आपकी ओवरऑल लुक अपने आप अच्छी हो जाती है। जब भी मैं आपके साथ गेट रेडी विद मी शूट करती हूँ, तो मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि आई ऑलवेज प्रेफर काजल, क्योंकि काजल लगाते ही हमारी ओवरऑल जो हमारी लुक होती है वो एनहांस हो जाती है, जिससे कि ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर नाइन्थ इज, बिफोर स्लीपिंग आपको अपने मेकअप को जरूर रिमूव करना चाहिए। कोई भी सेलिब्रिटीज है, देखो ये कितना थक जाते हैं, कितना इन्हें शूट करना होता है, कभी कभी तो कितने कितने दिन लगातार इनकी शूटिंग चलती है, लेकिन वो क्या चीज नहीं भूलते कि वो अपने मेकअप को रिमूव करना नहीं भूलते हैं। जितना भी टायर्ड हो, जितना भी कुछ भी हो, वो अपना मेकअप जरूर रिमूव करके सोते हैं। सो आपके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल होती है, क्योंकि मेकअप अगर आप लगा के सो जाओगे ना, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो जाती है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हो ना, तो स्टॉप डूइंग दैट इमिजिएटली, क्योंकि ये काम करना ना आपकी स्किन को बहुत खराब कर देगा। तो ये काम नहीं करना, हमें हमेशा अपने मेकअप को उतार के सोना है। द लास्ट पॉइंट इज, वो अपने हेयर्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ऑयल मसाज जरूर लेते हैं। मैंने ऑयल मसाज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि हमें किस तरीके से ऑयल मसाज करनी चाहिए, क्या क्या ऑयल्स का यूज करना चाहिए, तो आप उसे जाके जरूर चेकआउट करना, और आप भी अपनी स्किन और अपनी बॉडी को बिल्कुल अच्छा बना के रख सकते हो जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज। बस छोटे छोटे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, जो कि मैंने आज आपको बताए हैं। देखो इतना टफ नहीं है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल चीजों का यूज करते हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अच्छी अच्छी रेमेडीज। आपको भी उन्हें यूज करना चाहिए, आज वाले सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज ने अपने इंटरव्यूज में ही इन सारी बातों को बोला हुआ है कि वो इन इन चीजों का यूज करते हैं और क्या क्या वो अपनी स्किन के लिए करना प्रेफर करते हैं। सो आप भी इन सब चीजों को फॉलो करना। Then you must tell me in the comment section कि आपको इन चीजों को use करके इस video को देख के कैसा लगा या आपको क्या benefit मिला इससे। अगर आपको मेरी video अच्छी लगती है, तो like my video, subscribe my channel for the other latest videos। अगर आप चाहते हो कि किसी important topic के ऊपर मैं आपके लिए video लेके आऊँ, so you must tell me in the comment section। I will definitely make a video for you। अब हम मिलेंगे next video में, तब तक के लिए bye bye।